जो कंपैरिजंस है इनके साथ, हमने कोचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोचिंग इफेक्टिवनेस कंपैरिजंस. कंपैरिजंस इन द सेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ वर्ड्स बताए थे डिस्टिंक्शन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन इफेक्टिव सक्सेसफुल, इफेक्टिव कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव एक्सपर्ट. इफेक्टिवनेस का हम इन चीजों से कंपैरिजन करेंगे. अब हम किसी भी कोच को बोलते हैं वो एक्सपर्ट कोच है, वो कॉम्पिटेंट कोच है, वो एक सक्सेसफुल कोच है, वो एक इफेक्टिव कोच है. तो आज इन चार वर्ड्स के अराउंड हम अभी आने वाले 40 मिनट्स में डिस्कशन करेंगे. एंड यू विल लर्न अलोट कि भी आपको लगता है ये सारे साइनोनिम्स हैं एक दूसरे के, यू कैन से कि भी एक पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें बहुत हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं और एक प्रोग्रेसिव वे में ये यू विल सी कि भी इनको कहाँ अप्लाई करते हैं हम. सबसे पहले आपको इसके हिंदी वर्ड मीनिंग बताती हूँ जो कि लास्ट क्लास में बताया था. इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी, असरदार, जिसका असर हो, प्रभावशालीता इफेक्टिवनेस कहलाता है. सक्सेसफुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, सफल कि सफल इन द सेंस वो सफल व्यक्ति है तो उसकी विशेषता बताता है, सफल विजयी. कॉम्पिटेंट का मतलब है निपुण होना अपने काम में, उचित भी एडजेक्टिव है. एक्सपर्ट माहिर, प्रतिष्ठित अभ्यस्त व्यक्ति. तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सक्सेसफुल वर्सेस इफेक्टिव कोचिंग, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंट वर्सेस इफेक्टिव कोचिंग, और थर्ड जो कंपैरिजन करेंगे हम एक्सपर्ट वर्सेस इफेक्टिव कोचिंग. इन सब के आपस में क्या रिलेशन है और जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं व्हाट डज इट मीन, क्या उसका क्या मतलब होता है. देखिए अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सक्सेस है उसके दो मीनिंग्स आते हैं, दो कंसर्न में मीनिंग्स आते हैं. कोनोटेशंस होता है मीनिंग होना, द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. अब आप किसी भी बच्चे के साथ जब आप कोचिंग शुरू करते हैं तो एक टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं. आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया होगा लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं कि हमें आने वाले 8 साल में इसको ओलंपिक मेडलिस्ट बनाना है, हमें इस ओलंपिक साइकिल में इस ईयर इसका नेशनल में मेडल आना चाहिए, देन ही और शी इज सपोज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल इवेंट्स, इन्विटेशनल इवेंट्स, देन हम उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखना चाहते हैं. तो इस हिसाब से हर एक कोच, चाहे वो कोई भी गेम हो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, टीम स्पोर्ट्स हो, दे जस्ट सेट द टारगेट्स. तो जो सक्सेस है उसको हम कोचिंग के मायने में दो तरीके से देखते हैं, द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. It will be same as effectiveness as it refers to the achievement of an agreed goal. जो goal है वो agreed है, मतलब हमने उसको माना गया है player के द्वारा भी और coach के द्वारा भी कि हमने एक objective set कर दिया है, अगर हम उसको achieve कर लेते हैं वो effective भी कहलाता है और success भी कहलाता है. फिर है attainment. Attainment को यहाँ पे हमने public recognition से जोड़ा है coaching में. यहाँ जो success है, देखिए आप सक्सेसफुल कब होते हैं, जब आप पब्लिकली आप एक यू नो एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं. आज के दिन मैरी कॉम को सब जानते हैं कि संदीप सिंह है, सरदारा है, एथलेटिक्स में कृष्णा पूनिया है, राज्यवर्धन सिंह राठौर है, दे आर यू नो पब्लिक फिगर्स. तो एक अटेनमेंट है, दे हैव अटेन्ड अ लेवल. सो हेयर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ पब्लिकली रिकॉग्नाइजेबल अकम्प्लिशमेंट. लोग जानते हैं उनको उनके स्पोर्ट्स के कारण, उनके अचीवमेंट के कारण. सो दे हैव अटेंड अ पब्लिक फिगर पब्लिक डोमेन में. सो यहाँ पे भी इफेक्टिवनेस सेम होगी. देखिए ऊपर वाले में अगर सक्सेस आती है तो इफेक्टिवनेस भी उनको सेम मान रहे हैं क्योंकि वो एग्रीड गोल अटेन कर रहे हैं. यहाँ पे इट विल बी सेम एज इफेक्टिवनेस. यहाँ पे जो सक्सेस है पब्लिक फिगर बनने की वो इफेक्टिवनेस के सेम होगी ओनली इफ इट इज मेजर्ड बाय पब्लिकली एक्नोलेज्ड आउटकम्स मेजर. अगर हम एक पैमाना रखें कि पब्लिकली स्पोर्ट्स पर्सन को कौन जाता है, जीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास आते हैं तो आप उम्मीद करते हैं लोग जानते हैं तभी वो आंसर दे पाते हैं कि हाँ कृष्णा एथलेटिक्स से है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से है. तो उस कंसर्न में अगर हम ये पैमाना लेके चले पब्लिकली एक्नोलेजमेंट हो रहा है देन सक्सेस इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस. ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में नीचे लिखा भी है मैंने, सक्सेस देयरफॉर इज मार्क ऑफ प्रोमिनेंस अचीव्ड कॉम्पिटिशन सक्सेस पे बेसिस पे. तो इस जो यहाँ पे सक्सेसफुल होने का और इफेक्टिवनेस का कंपैरिजन जब किया गया है, जब हम कोई एक सेट टारगेट अटेन कर लेते हैं तो वो कहलाता है सक्सेस भी मिल रहा है इफेक्टिवनेस भी.
अटेनमेंट, जब एक पब्लिक अपने अचीवमेंट की बेसिस पे एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो हम अगर पब्लिक फिगर को पैमाना रखें तो हम सक्सेसफुल भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। नेक्स्ट देखिए, अब सक्सेस के तीन रिजल्ट्स हैं, कोरोलरीज मतलब उनके रिजल्ट क्या हैं, आउटकम क्या हैं। सक्सेसफुल परफॉर्मर, आप कभी भी देख लेना किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे, चाहे वो एलीट लेवल पे हो, ग्रास रूट्स पे हो, डेवलपमेंटल स्टेज पे हो, जिस ट्रेनिंग सेंटर पे जिस कोच के पास सक्सेसफुल एथलीट्स या सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं उसकी किटी में, वो कोच सक्सेसफुल कहलाता है। इसका मतलब आपके पास जितने सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, आपके पास परफॉर्मर हैं बच्चे, यू आर सक्सेसफुल। और इसीलिए मैंने मेंशन किया है, कोचिंग सक्सेस इज मेजर्ड बाय एसोसिएशन विद द सक्सेसफुल परफॉर्मर्स। ठीक है, आप नेशनल स्क्वाड में जाते हैं, सो एंड सो प्लेयर के साथ वी आर वर्किंग विद मैरी कॉम, वी आर वर्किंग विद विजेंदर, वी आर वर्किंग विद संदीप सिंह, तो ये काउंट करता है एक सक्सेसफुल कोच होने में। ठीक है, कोचिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव इफ इट इज रिपीटेड सक्सेस। अब कई बार हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, सो एंड सो कॉम्पिटिशन में उसका तुक्का लग गया, सो एंड सो कॉम्पिटिशन में एक बार आ गया, बाकी क्या। आपकी सक्सेस सक्सेस तब कहलाती है स्पोर्ट्स में जब आप रिपीटेड सक्सेस देते हैं। ठीक है, और जो ये आप रिपीटेड सक्सेस इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, अब आप ट्रेनिंग से लगा लीजिए, कंपटीशन से लगा लीजिए, कंपटीशन भी जो हमारे होते हैं एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं होते हैं। आज हमारी नेशनल्स केरला हो रही है, नेक्स्ट ईयर हमारी नेशनल्स गुवाहाटी होगी, नेक्स्ट ईयर हमारी नेशनल्स दिल्ली हो रही है, नेक्स्ट ईयर भोपाल हो रही है। सो यू नो, आप रिपीटेड अगर हर कॉम्पिटिशन में सक्सेस देते हैं तो वो एक आपके सक्सेसफुल होने का प्रूफ है। अब रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, अब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं हमारे। अब जो कई बार क्या होता है, जो लास्ट क्लास में एक डिस्कशन में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि कई बार जी हम तो तैयारी करवाते हैं, टीम का सिलेक्शन होता है, कोच और कोई होता है, हम नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो हमेशा होता नहीं है। कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती हैं कि बच्चा ट्रेनिंग किसी कोच के पास किया, टीम गया है तो दूसरे स्टेट के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के या दूसरे किसी कोच के साथ आपको जान परफॉर्म, चाहे टीम स्पोर्ट्स हो, तो कि जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग है। अब जैसे आप बॉक्सिंग का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपका कोच जिसने आपको ट्रेनिंग कराया वो कंपटीशन में साथ नहीं है, क्या पता जो दूसरा कोच है वो आपको इफेक्टिवली सेकेंडिंग ना कर सके, रेस्ट टाइम में आपको वो अच्छी तरह नहीं जानता होगा, अच्छी तरह बता भी ना पाए, तो ये सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कोई एक लेवल का कोच जो नेशनल स्क्वाड लेवल का है तो ग्रास रूट्स पे बच्चों के साथ शायद इतनी इफेक्टिव कोचिंग ना कर पाए, या फिर कई बार क्या होता है किसी ग्रास रूट के कोच को एकदम से नेशनल स्क्वाड मिल जाए कोच बनते ही, क्या पता वो इतनी इफेक्टिवली वहां काम ना कर पाए। सो राइट कोच एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम काउंट्स अ लॉट। और जो आपका कई बार होता क्या है, कई कोचेज ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कंसेंट्रेंस हैं, कई बार होता क्या है थर्ड एग्जांपल में, कई कोच ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाते हैं, आप 700 कोचेज हैं, जाके अपने ट्रेनिंग जहां भी आपको मौका मिलेगा यू विल डू वंडरफुल जॉब, लेकिन कंपटीशन में क्या पता बच्चे से पहले स्ट्रेस में आप आ जाए बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एंड इट हैपन्स। कई बार होता क्या है, मैंने बॉक्सिंग में भी कई आप यहाँ सारे इंटरनेशनल प्लेयर से देखा है, तो बच्चे ना हेड कोच से रिक्वेस्ट करते हैं, सर उन कोच साहब को मेरे साथ सेकेंडिंग में भेजना बिकॉज ही सजेस्ट मी गुड, यू नो। तो मैनेजमेंट काउंट्स अ लॉट। ऐसे ही टीम गेम्स में होता है, आपको हर एक, आपको अगर 10 कोचेज नेशनल स्क्वाड में ट्रेनिंग करा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस 10 में से 4 या 5 या फिर 1-2 कोचेज पे होता होगा, मे बी 10 में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें हैं, अगर इन सारी सिचुएशंस में कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई कोच रिपीटेड सक्सेस दे रहा है देन ही सक्सेसफुल, यू नो। इन तीन आउटकम में परफॉर्मेंस के साथ अटैच होना, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में सक्सेस देना, और उसके बाद थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डिफरेंसेस। हर एक गेम का कोचिंग प्रोसेस अलग है, हॉकी का बॉक्सिंग जैसा नहीं है, बॉक्सिंग का एथलेटिक्स जैसा नहीं है, एथलेटिक्स का आर्चरी जैसा नहीं है, तो हम सारे स्पोर्ट्स की सक्सेस रेट को एक जैसे नहीं देख सकते, उनके पैमाने अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने डिस्कशन की उससे देखो चीजें क्या निकल के आई। हर एक जो हमारे आज तीन कंपैरिजन है ना, पहला कंपैरिजन हमने लिया सक्सेस से इफेक्टिवनेस का,
उसमें क्या चीज निकल के आई, ये सोचने वाली बात है। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सब्जेक्टिव है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। इतना हम कंक्रीट ऑब्जेक्टिव कोई आउटकम नहीं लेंगे, आपके दिमाग में सब्जेक्टिव आउटकम ज्यादा होगा जो आपको सोचने पे करेगा सक्सेस है तो इफेक्टिवनेस क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। तो जब हमने अभी सक्सेस और इफेक्टिवनेस का डिस्कशन किया, उसमें से ये निकल के आया, सक्सेसफुल कोचेज इज लाइकली टू हैव बीन इफेक्टिव अज्यूमिंग द गोल्स आर एक्यूरेट, जो कि हमने डिस्कस किया कि आप गोल सेट कर लेते हैं, आप सक्सेसफुल और इफेक्टिव जब हैं, जब वो गोल अटेन करते हैं, लेकिन शर्त ये है गोल्स सही होने चाहिए। बच्चे का लेवल तो इंटरनेशनल लेवल का है और आपने उसके लिए टारगेट सेट कर दिया ये स्टेट चैंपियन होना चाहिए, या फिर बच्चे का लेवल तो डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है, आपने टारगेट सेट कर दिया ये तो आज नेशनल चैंपियन हो जाना चाहिए। तो योर गोल मस्ट बी एक्यूरेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सब नेक्स्ट पॉइंट है द लैक ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोचिंग प्रोसेस मेक इट प्रॉब्लमेटिक टू क्लेम एन इफेक्टिव कोचिंग। जो एक कोचिंग प्रोसेस है ना, जो आपको गंगवार साहब ने पढ़ाया है कि वे कोचिंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपने एनुअल प्लान में तो लिख लिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे वी विल गो फॉर द ऑफ सीजन इन शिलारू, ऑफ सीजन कैंप के लिए जाएंगे कहीं हिल स्टेशन पे एक अच्छा ऑफ सीजन कैंप के लिए, लेकिन आपको सैंक्शन नहीं मिलती है, आपको वहीं ग्राउंड पे रहना पड़ता है, ग्राउंड इन द सेंस प्लेन एरिया में ही रहना पड़ता है, आपकी प्लानिंग में तो वो चीज है लेकिन लागू नहीं हुई। तो इन चीजों को भी हमें काउंट करना है। और एंड में काफी सारी रिसर्चर की रिसर्च पढ़ने के बाद ये पॉइंट सामने आया, एन इफेक्टिव कोचिंग मे बी सक्सेसफुल। आपकी अगर असरदार कोचिंग है ना, प्रभावी कोचिंग है, तो वो सक्सेसफुल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। कारण उसका हेयर इफेक्टिव टेस द कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्कमस्टेंसेज इन अकाउंट। जैसा कि आपने एक बच्चे को एग्जाम्पल देती हूँ बॉक्सिंग का, बहुत अच्छे से ट्रेन किया, वेट मैनेज है उसका, वो ओलंपिक के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ओलंपिक बाउट में पहली बाउट में जाते ही उसको कट लग गया। आपकी इफेक्टिव कोचिंग थी लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए। organizational setting, just you can think of that. Evaluation of success is based on performance outcomes. Don't just concentrates. जो एक success की evaluation होती है ना, कोई ये नहीं देखता कि भी इसने हफ्ते में 6 दिन training किया, 6 दिन भी per day इसने 6 घंटे training पे लग डोंट एक्नोलेज कंसंट्रेट जो बीच में प्रॉब्लम्स आई है तो बस मेडल काउंट करते हैं उसको। ये इसका पॉइंट है, दैट इज यू नो प्रैक्टिकल जो बात है। इसके बाद है दिस वाज जस्ट अबाउट सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस, कि भी इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज बात जो नटशेल में हम कह सकते हैं, इफेक्टिव कोचिंग सक्सेसफुल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। और जो एक सक्सेसफुल पर्सन है उसका जो इफेक्टिवनेस है उसे सक्सेस रेट से ही हम बताते हैं। अब इसके बाद है कॉम्पिटेंट वर्सेस इफेक्टिव कोचिंग। कॉम्पिटेंट का मतलब एक यू कह सकते हैं मिनिमम लेवल की नॉलेज होना, मिनिमम लेवल की क्वालिफाइंग, एक यू नो जैसे आप जैसे एथलेटिक्स में बोलते हैं कि इतने मीटर पे आप ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर जैसे बॉक्सिंग में रेसलिंग में होता है आप इतना वेट ले आएंगे तो आप इस वेट कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वो जो मिनिमल एक वो लेवल डिसाइड होता है ना, दैट इज आपको कॉम्पिटेंट बताता है अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और एक विशेषण के रूप में यूज होता है, कॉम्पिटेंट इज ए क्वालिफाइंग डिस्क्रिप्टर, इसका मीनिंग जो है डिक्शनरी मीनिंग है। एक पर्सन के पास, एक कोच के पास नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपनी कोचिंग अच्छे से कर सके। आप लोग ये डिप्लोमा अटेन कर लेंगे तो आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट कोच होंगे। यू नो यू हैव गॉट ए क्वालिफाइंग मार्क, भी आप एनआईएस डिप्लोमा होल्डर है, यू आर एलिजिबल फॉर कोचिंग, ठीक है। और इसमें जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ज्यादा इसमें कॉम्पिटेंट फॉर कोचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, कि भी ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, फिर भी मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े कि भी आप लोगों को उसके एग्जाम्पल्स दे सके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डालने साइड में विल डिस्कस। सो कॉम्पिटेंट का मतलब है निपुण होना, एक दिस इज लाइक ए क्वालिफाइंग डिस्क्रिप्टर, कि आपके पास नेसेसरी स्किल है आप कोचिंग कर सकते हैं।
में उन्होंने, जैसा कि हमने डिस्कस किया, उसका मतलब होता है एक मिनिमम लेवल का क्वालिफाइंग मार्क होना, निपुण होना उस चीज के लिए। फिर उसके बारे में रिसर्चर्स जो है ये बताते हैं कि भी एक लाइन एंड लेंथ कहाँ है, कि भी कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट है, कौन कौन लेस कॉम्पिटेंट है, कौन हु इज मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव, इसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्कशंस की। देन एक यू कैन से कि एक डेफिनेशन के साथ हम ऊपर इसमें निखर के आए हैं, कोचेज डिस्क्राइब्ड एज कॉम्पिटेंट, जो कोचेज हैं उनको हम कॉम्पिटेंट कब कहते हैं, हु हैव अ कैपेसिटी ऑफ इफेक्टिव कोचिंग परफॉर्मेंस, जिनके पास एक असरदार कोचिंग परफॉर्मेंस देने की काबिलियत है, इफ देयर कॉम्पिटेंसीज आर, जो उनकी निपुणता है अप्लाई की जाए इन एप्रोप्रिएट फैशन, एक सही तरीके से, टू द एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेज एज दे अप्लाई टू द कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो उनको जिम्मेवारी दी गई है कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जिस सर्कमस्टेंसेज में, एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेज में, जो सहूलियत, जो यू नो इक्विपमेंट्स और स्पेसिफिक एरिना उनके पास है, उसमें अगर वो सही तरीके से, सही फैशन में, एक अप्रोप्रिएट उसमें अगर अपनी कॉम्पिटेंसीज अप्लाई करें, तो वो एक इफेक्टिव कोचिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उसको वो कॉम्पिटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, इस पर थोड़ा नजर डालिएगा, इससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपर्ट कौन है, कॉम्पिटेंट कौन है, और यू नो जो सक्सेसफुल कौन है। ये एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, नॉइस कहलाते हैं एज ए कोच, फिर हम एडवांस्ड बिगनर्स होते हैं, थोड़ा सा सीखे हुए शुरुआत करने वाले कह सकते हैं, उसके बाद हम कॉम्पिटेंट बनते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आया होगा, हम खेल रहे हैं, कभी हम कोचिंग करेंगे, तो आपने कोचिंग की शुरुआत की, नॉइस हुए, फिर एडवांस्ड बिगनर्स बने, फिर आप कोचिंग डिप्लोमा अटेंड करके एक यू नो कॉम्पिटेंट पर्सन बनते हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, फिर आप स्किलफुल हो जाते हैं, डेली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस चीज में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है उस चीज में स्किलफुल हो जाते हैं, आपके पास अलग अलग स्किल्स होते हैं अपनी किटी में, कि भाई आप बच्चों को, अलग अलग बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कोचिंग करेंगे, और एक्सपर्ट बिल्कुल पिनाकल पे है, बिल्कुल टॉप पे है। एक्सपर्ट का मतलब तो है ही माहिर, तो आप देखिए कॉम्पिटेंट और एक्सपर्ट में बीच में जो वो है ब्रिज है, प्रोफिशिएंट का है, स्किलफुल बनने का है। ठीक है, अब आप डिप्लोमा के बाद कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, अपनी जो है आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो पूरा करने के बाद एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोफिशिएंट बनना है, स्किलफुल बनना है। स्किलफुल का मतलब आपके गेम के मुताबिक, आपकी कोचिंग किटी में, आपके यू नो आपके माइंड में, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली वो स्किल्स होने चाहिए जिससे आप अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को, अलग अलग कंसंट्रेंट्स को, बाधाओं को टैकल कर सके, फिर ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कॉम्पिटेंट के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि कोई बेसिक निपुणता होना और जरूरी नहीं है आप, कि भी अगर आप एक अफेक्टिव कोचिंग प्रोग्राम चलाएं, जैसा कि डेफिनेशन में मेंशन है, अलग अलग सिचुएशंस में, तो आप कॉम्पिटेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब मेन जो आज पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज एक्सपर्ट वर्सेज इफेक्टिव कोचिंग। अब सर फर्गुसन को सब जानते हैं, तो उनको एक्सपर्ट कहते हैं सब, यू नो ही इज सक्सेसफुल एज वेल। तो एक प्रतिष्ठित कोच बनने के लिए, तो आपकी जो आप प्रतिष्ठित कोच बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपकी कोचिंग इफेक्टिव कहलाएगी, आपकी कोचिंग में कितनी इफेक्टिवनेस होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है एक्सपर्ट बनने की क्या है। अब एक्सपर्ट का मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया माहिर होना, और कोचिंग कॉन्टेक्स्ट में एक्सपर्ट मीन्स अ हाई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। देखो सीधा कंपैरिजन यही दिख रहा है आपको इसकी डेफिनेशन में ही, एक्सपर्ट का मतलब ही यही है, अ हाई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। कोई भी एक्सपर्ट कोई बात बोलेगा ना, उसका प्रभाव होगा ही होगा। इट्स लाइक कोई भी, अगर आज के दिन आपको राठौर साहब बोलेंगे कि भी यू हैव टू शूट, ऐसे करना है शूटिंग, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैरी कॉम आके ये बोलती है कि भी मैं साउथ पा बॉक्सर हूँ और ये पंच मारती हूँ, तो बच्चे उसको कॉपी करेंगे ही करेंगे, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद है, एक्सपर्ट्स हैव सम एबिलिटीज दैट नॉइस डू नॉट हैव। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें वो काबिलियत होती है जो जो शुरुआती कोचेस कह सकते हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, उनके पास वो नहीं होते हैं।
तभी तो जो बीच में मैंने आपको बताया ना प्रोफिशिएंट बनने का, स्किलफुल बनने का गैप, तो वो आपकी मेहनत से ही आप मिलता है। तो एक्सपर्ट के पास वो क्वालिटीज होती हैं जो नए कोचेस के पास नहीं होती। एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज हाईली इफेक्टिव इन अचीविंग अ पर्पस। कोई भी एक्सपर्ट कोच होगा वो हाईली इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा अपना कोई भी पर्पस अटेन करने के लिए, पाने के लिए, एक अचीव करने के लिए। एक सेट पर्पस कर दिया, उसको अचीव करने के लिए वो प्रभावी होगा ही होगा। अब आप जब मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड ये जरूर सोचिए इफेक्टिवनेस कहाँ चल रही है और एक्सपर्ट कहाँ चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक रिसर्चर्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स आर एफिशिएंट इन रिकॉग्नाइजिंग द कोचिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जो एक एक्सपर्ट होगा उसको पता है कौन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह से उसने अपना कोचिंग प्रोसेस करवाना है। अब मान लीजिए उनको एक किसी भी कैंप के लिए बच्चों को बाहर लेके जाना है, आप जहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो प्लेन एरिया है, और जब आप समर कैंप के लिए या फिर ऑफ सीजन कैंप के लिए ऊपर लेके गई, वो कोचिंग प्रोसेस उन्होंने सोच रखा है उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे लागू करना है। एन एक्सपर्ट नोज वेरी वेल। शायद एक जो नया कोच होगा, अभी नया नया कोच बना है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको 10 बार रेफरेंस देखने पड़े, सोचना पड़े कि क्या ट्रेनिंग करानी चाहिए, कैसे कराना चाहिए, कितना लोड होना चाहिए, वॉल्यूम इंटेंसिटी क्या रखूं मैं, जो ऑक्सीजन लेवल है बच्चों का क्या होगा, हीमोग्लोबिन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, ही नोज विच कोचिंग प्रोसेस ही और शी हैज टू अप्लाई इन रिक्वायर्ड पर्टिकुलर एनवायरमेंट। ठीक है, एक्सपर्ट नेक्स्ट लास्ट बोलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैज एन एक्सपर्टीज टू डू इफेक्टिव कोचिंग इन वेराइड सर्कमस्टेंसेस। जरूरी नहीं एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस हो, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कैसे उसको इफेक्टिव कोचिंग करनी है, ही नोज वेरी वेल। यहाँ पे हम साइकोलॉजी का थोड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार टीम गेम्स में क्या होता है, आपने जैसे चक दे इंडिया देखी कि वहां पे बच्चों की आपस में नहीं बनती। व्हाट शाहरुख खान डिड, जो कोच थे उसमें, तो उन्होंने क्या किया, यू नो ही प्लेड अ साइकोलॉजिकल रोल ओवर देयर। तो सिचुएशंस अलग अलग थी, लेकिन इफेक्टिव कोचेस को एक लाइन एंड लेंथ में शेप में लाने के लिए उनके पास एक मास्टरी होती है, एक्सपर्टीज होती है। तो एक्सपर्ट्स दे आर इफेक्टिव, दे हैव हाई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। इसके बाद ये आपको यू नो अब जब मैं एक एक्सपर्ट की क्वालिटीज डिस्कस कर रही हूँ, जो ग्लेसर ने इन्होंने एक बुक में मेंशन किया है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ है जो एक्सपर्ट बिहेवियर शो करते हैं। तो आप जब हम डिस्कशन करेंगे, आप सब कोचेज ये सोचिए ये आपका टारगेट है। दिस इज लाइक प्रैक्टिकली आपको इसको अपना टारगेट समझना है अगर एक अच्छा कोच अपने लाइफ में बनना है। खाली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने लाइफ में भी इन 5-7 पॉइंट को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप एक्सपर्ट जल्दी ही बनेंगे। यू नो वो प्रोफिशिएंसी आपके अंदर जल्दी ही आएगी, बिकॉज यू ऑल आर नॉइस। अभी शुरुआत की है आपने कोचिंग की, दिमाग में, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली कोचिंग अभी आपके शुरुआत में है। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बेटर डोमेन नॉलेज, जो उनका डोमेन है, दायरा है जहां वो काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी गेम के हो, उनके पास अच्छी नॉलेज होती है उसके बारे में। अब मान लीजिए आप फुटबॉल कोच हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, तो आपकी जो डोमेन है, जो स्पेसिफिक गेम है, यू शुड हैव बेटर नॉलेज अबाउट दैट। आपको उसकी टेक्निकल, टेक्टिकल, जो फिजिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो, और क्या हेल्थ एंड फिटनेस, उसके बारे में सब जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप कोचिंग डिप्लोमा में सीख भी रहे हैं। देन कम्स रिकॉग्निशन ऑफ द मीनिंगफुल पैटर्न इन देयर डोमेन। अब आपको ये पता है इस गेम की ये बारीकियां हैं। अब जब आपको खुद थोड़ा ना करना है, बच्चों को करवाना है, तो उसके लिए आपके पास एक मीनिंगफुल पैटर्न होना चाहिए, और कहाँ कौन सी चीज लागू करनी है, कौन से मीन्स एंड मेथड्स होंगे, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट, वो आपके पास होने चाहिए। अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी गेम में, हमारे 5 फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, SAQ, ये सब चीजों के आगे बहुत पार्ट्स हैं जो अलग अलग गेम्स में होते हैं। जैसे आपको बॉक्सिंग में स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस चाहिए, एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, अलग अलग गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब आपको पता है क्या है, बट एक एक्सपर्ट को पता है कौन सी चीज किस टाइम करवानी है और कौन से मीन्स एंड मेथड लागू करने हैं। वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग में वो साधन संसाधन अलग अलग रखेगा। अगर उसको एंड्योरेंस करवाना है,
तो कैसे स्लो एंड स्टडी, स्लो कंटिन्यूअस से, फास्ट कंटिन्यूअस से, फार्टलेक से, फिर उसको धीरे धीरे कैसे वेराइड पेस तक लेके जाएगा। तो एक जो एक्सपर्ट होता है, ही नोज कौन से संसाधन यूज करने हैं जो उसके जो डोमेन नॉलेज को एक मीनिंग दे, यू नो, और फास्टर ऑपरेशंस, जो उसकी कार्रवाई होती है फटाफट होती है, क्योंकि यू नो आप भी अब जब आज जो कोच बनेंगे और आज से आने वाले 5-10 साल बाद होंगे, तो आप अपने उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक एक्सपर्ट की क्वालिटी है वो भी जो भी ऑपरेशंस करता है, कार्रवाई करता है, वो फास्ट होते हैं। बेटर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑब्वियसली आज आप कोचिंग शुरू करेंगे तो जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, अपने काम में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, स्किलफुल हो जाएंगे, तब आपकी मेमोरी फास्ट रहेगी। आपके जो कोचेज रहे हैं, जितने भी अच्छे कोचेज के पास आपने ट्रेनिंग की है, एक्सपर्ट कोचेज के पास ट्रेनिंग की है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। सो एंड सो कॉम्पिटिशन में ऐसी सिचुएशन हुई थी, मैंने ये किया, सो एंड सो कॉम्पिटिशन में बच्चा ऐसे खेला, फिर हमने उस सिचुएशन को ऐसे किया, तो ही हैज अ लॉट, यू नो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है उसकी। आप जब एक एक्सपर्ट कोच के पास हो जाते हैं, या फिर आप जब खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो जो पिछले हफ्ते बच्चे ने गलती की होगी ना, तो आप फटाफट बता देंगे उसके, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी शार्प होगी कि पिछले हफ्ते आप उस दिन नहीं आए थे, आपने ये गलती किया था मैच में, ये किया था, ये टेक्टिकल एस्पेक्ट में आप वहां ये हुआ था। तो ही हैज गुड नॉलेज, बेटर नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एट ए मोर प्रिंसिपल लेवल, प्रिंसिपल्स का यहाँ मतलब है सैद्धांतिक लेवल, जो आपकी डे टू डे ट्रेनिंग सेशंस में, वीकली सेशंस में, प्लानिंग में, प्रेडाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको आप बड़े ही सैद्धांतिक तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मोर टाइम स्पेंड ऑन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, तो वो जो अपना समय है, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं ना किसी भी, नॉट ओनली कोचिंग, किसी भी डोमेन के जब एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वही चीजें घूमने लग जाती हैं। और जब दिमाग में कोई चीजें घूमती है, तो आप उनको एनालाइज करते हैं। जब आप जैसे हमने भी जैसे काफी एक्सपर्ट कोचेस को देखा है, तो यू नो जब वो सोएंगे तो भी दिमाग में एनालिसिस होता रहेगा, नहीं उस फुटबॉल के उसमें वो ज्यादा अच्छे से गोलकीपर का काम कर सकता है, वो अटैकर ज्यादा अच्छा है, वो डिफेंडर ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही बॉक्सर्स, अगर एक्सपर्ट बॉक्सिंग कोच है, उसके दिमाग में ये घूमता रहेगा, नहीं उस वेट में वो बॉक्सर अच्छा है, उसके अपोनेंट सो एंड सो कंट्री के अच्छे हैं, तो आई शुड मेक हिम और हर टू बॉक्स इन दैट वेट कैटेगरी। उस वो साउथ पॉ बॉक्सर है, उसकी टेक्निक्स ज्यादा अच्छी हैं, तो उसको उस वेट में, तो उस एनालिसिस पे ज्यादा उसका टाइम स्पेंड होता है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेटिंग क्वालिटीज, वो खुद ही मोटिवेट रहते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास बच्चे जाके खुद मोटिवेटेड फील करते हैं। अब कई बार यू नो जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल है बॉक्सिंग, वो कहते हैं मतलब एक एक्सपर्ट कोच तो वो है जो मुर्दे में भी जान फूंक दे, यू नो, कि भी वो खुद इतने मोटिवेटेड रहते हैं, बच्चा उनके साथ ट्रेनिंग करके ही सेल्फ मोटिवेटेड फील करता है। सो दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, एनालिसिस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, प्रॉब्लम्स को सैद्धांतिक तरीकों से सॉर्ट आउट करते हैं, छोटे बड़े जो उनके प्लान्स होते हैं और मेमोरीज होती है बड़ी शार्प होती है, ऑपरेशंस कार्रवाई फटाफट करते हैं, दे डोंट टेक सो मच टाइम, यू नो, बिकॉज यू नो एक्सपर्ट इतने हो जाते हैं उस काम में, उनके पास अपनी जो डोमेन है उसकी नॉलेज अच्छी होती है, और उसको नॉलेज को लागू करने के लिए वो एक मीनिंगफुल पैटर्न, एक प्रॉपर वे में उसको लागू करते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स के बारे में पब्लिक अक्लेम का भी कुछ अटैचमेंट किया गया है। जैसे सक्सेसफुल के बारे में हमने बताया था ना, कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए अलग अलग एथलीट्स के, कि जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक फेसेस बन जाते हैं तो वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। ऐसे ही एक्सपर्ट्स आल्सो अकॉर्डेड द डिस्क्रिप्टर थ्रू पब्लिक अक्लेम। कंपटीशन सक्सेस में अगर मान लीजिए कोई एक्सपर्ट कोच है, उनमें ओलंपिक के मेडल ले आते हैं, तो वो एक कंपटीशन सक्सेस के साथ एक्सपर्ट कहलाते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गोपीचंद, उनकी एकेडमी के कितने बच्चे ओलंपिक एशियन और ये मेडलिस्ट हुए हैं, तो ही इज एक्सपर्ट कंपटीशन सक्सेस बेसिस पे। हैविंग मोर सक्सेसफुल प्लेयर्स इन देयर किटिंग, और फिर उनके पास यू नो एक एक्सपर्ट के पास भी बहुत सारे सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं। आल्सो कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं उनके पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, नॉइस से जाके एक्सपर्ट बनने के लिए जो बीच का रास्ता है ना,
जो प्रोफिशिएंट डिस्कस किया हमने, कॉम्पिटेंट डिस्कस किया हमने, वो रास्ता नापने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आएगा जब आप कोई काम करेंगे, एक्सपीरियंस उसी से आता है। और मेरी भी सोच यही है, नॉलेज इज एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। ठीक है, सक्सेसफुल प्रैक्टिस। अब एक्सपीरियंस तो आप देख, ये 10 साल से कोचिंग कर रहे हैं, 15 साल से कोचिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि भी आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। अब जो हमने टीम कंपैरिजंस किए आज, इफेक्टिव कोचिंग वर्सेस कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव कोचिंग वर्सेस एक्सपर्ट, इफेक्टिव कोचिंग वर्सेस आपका जो सक्सेसफुल, उसके बारे में डिस्कशन किया, उससे ये समरी निकल के आती है। जितने भी रिसर्च पेपर पढ़े मैंने, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे, ये 3-4 बातें हैं। द कोचिंग इफेक्टिवनेस इज जज्ड बाय इवेल्युएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ स्पेसिफिक कोचिंग प्रोग्राम। जो आप कोचिंग प्रोग्राम, कोचिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना स्पेसिफिक गेम की, तो उससे ही हमें इफेक्टिवनेस पता चलती है, जो कि अलग अलग गेम की अलग अलग होती है। इसके बाद इफेक्टिव कोच, प्रभावी कोच कौन है, इज वन हुज कैपेसिटी ऑफ कोचिंग इफेक्टिवनेस हैज बीन इवेल्युएटेड ओवर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। कि अलग अलग टाइम में और अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में व्हाट ही हैज डन, व्हाट शी हैज डन। और इसके बाद लास्ट पॉइंट, द इफेक्टिव कोच इज ऑलमोस्ट सर्टेनली कॉम्पिटेंट, ऑलमोस्ट सर्टेनली कॉम्पिटेंट। जो प्रभावी कोच होता है ना, वो कॉम्पिटेंट तो होता ही होता है। ये सारे डिस्कशन का निचोड़ ये है, जो प्रभावी कोच है, इफेक्टिव कोच है, वो कॉम्पिटेंट तो होता ही होता है। विल अक्वायर एंड डिस्प्ले एक्सपर्टीज, वो टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ एक एक्सपर्टीज भी गेन कर लेगा, और जो कि उसके प्रोफेशन में दिखाई देगी। एंड मे इन टाइम बी टर्म्ड एज एक्सपर्ट, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक्सपर्ट बन जाए। तो दो चीज क्या, जो इफेक्टिव कोच होगा वो भाई कॉम्पिटेंट तो होगा ही होगा, निपुण होगा, लेकिन टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो शायद एक्सपर्ट भी बन जाए। मे बी इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस मे बी सक्सेसफुल, अगर उसको सही सर्कमस्टेंसेस भी मिल जाते हैं शायद वो सक्सेसफुल भी बन जाए। तो अब इफेक्टिव कोच निपुण तो होगा ही होगा, टाइम के साथ वो शायद एक्सपर्टीज भी बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए, अगर उसको उसके कोचिंग प्रोसेस के मुताबिक अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस भी मिल जाए तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। ठीक है, ये उस चीज का आज सारांश था। ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, अब ये लास्ट स्लाइड है जो हम डिस्कस करेंगे। होल्ड ऑन अ सेकंड, ये आप सोचना इस बारे में, हम डिस्कशन क्लास में फिर इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हैं आप जो आपको ये 4-5 पॉइंट सोचने पे मजबूर करेंगे, और इनके बारे में रिसर्चर्स मतलब वो भी किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। वो उस दिन भी मैं आपको कह रही थी, ये जो ये इफेक्टिवनेस मापने का जो सब सिस्टम है ना, अभी पाइपलाइन में है। कोई कंक्रीट किसी भी ये नहीं कह सकता कि भी नटशेल में कोचेस को इफेक्टिवनेस जांचने के लिए ये तरीका है, सबका अलग अलग है। तो ये 5 पॉइंट्स आई गो थ्रू देम। इज देयर एनी एविडेंस और प्रैक्टिस और बिहेवियर दैट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोचिंग? कोई प्रूफ है, कोई एक लाइन एंड लेंथ है जिसमें हम ये कह सकते हैं ए तो इफेक्टिव कोच है, बी इनइफेक्टिव कोच है? तो आप जब ये चीज जांचने चलेंगे ना, तो आपको भी अलग अलग पैमाने मिलेंगे, अलग अलग दायरे मिलेंगे, अलग अलग लेवल्स मिलेंगे, तो उसमें से आप फिर अपनी सिचुएशन के मुताबिक वो दायरा ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट है, और ये सोचने का विषय है, अगर आप आने वाले टाइम में कहीं अच्छी एज ए कोचिज को जांचने का काम करेंगे, तो इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है कैसे करेंगे डिसाइड? सेकेंड पॉइंट जो डिस्कशन का है, सोचने का है, व्हाट विल बी गारंटीड टू प्रोड्यूस कॉम्पिटिशन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इन ए गिवन सर्कमस्टेंसेस? कोई एक किसी भी गेम के आप ऐसे बता दो, अगर ये सर्कमस्टेंसेज होंगे तो आपका जो कोचिंग परफॉर्मेंस है, कॉम्पिटिशन परफॉर्मेंस है, बेस्ट टू बेस्ट होगा। कंसंट्रेंस हमेशा रहेंगे किसी ना किसी शेप में, कोचिंग में। ठीक है, विल देयर बी डिफरेंसेज इन असेसिंग इफेक्टिवनेस इन पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस कोचिंग? एक तो बस आपको प्रैक्टिस करवाना है, कोचिंग करवाना है, और एक परफॉर्मेंस कोचिंग करवाना है, तो उसमें क्या
डिफरेंसेस हैं उसकी इफेक्टिवनेस जांचने के लिए, तो ये भी सोचने का विषय है। कैन एवरी कोच बी इफेक्टिव? जो कोच, हर एक कोच है जिसके दिल में कोच बनने की इच्छा है, वो इफेक्टिव है? आप 700 कोचेज यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आप सभी इफेक्टिव हैं? इफेक्टिव है तो पहले वाला पॉइंट, इफेक्टिव कौन है, इनइफेक्टिव कौन है, तो ये भी सोचने का विषय है। इज इट इजियर टू बी इफेक्टिव इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स? दिस इज लाइक, कई लोग कहते हैं कि जैसे इंडिया में जो कुछ स्पोर्ट्स माइनॉरिटी में है, जो ओलंपिक में नहीं है, या फिर यू कैन से कि अभी उनकी शुरुआत ही हुई है, तो उसमें आप जैसे कई आपने पार्टिसिपेशन भी देखा होगा कि भी उस गेम में कम कंपटीशन, आप वहां पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो जैसे आप इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक क्रिकेट की बात करें, एक कोई भी नए गेम की जहां जो कम खेला जाता, बहुत माइनॉरिटी स्पोर्ट्स है, तो उसमें जल्दी इफेक्टिव होना किसमें है? तो ये भी एक एक रास्ता रिसर्चर सोचते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में कितना जल्दी इफेक्टिव बना जा सकता है। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडे सेशन। आई एम जस्ट स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, यू जस्ट राइट योर कोड।